चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में फिर से भूचाल महसूस होने लगा है। कांग्रेस में अपने ही अपनों पर सवाल दाग रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हरियाणा कांग्रेस के भीतर अब भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस ऑल की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। अब भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों पिता पुत्र की हिट जोड़ी को फ्लॉप करने का प्लान बनाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, अपनों के अपनों से सवाल, गुटबाजी में बटी कांग्रेस। कांग्रेस में हुड्डा वर्सेस सेल्ज, हरियाणा में हुड्डा इज कांग्रेस। कब खत्म होगी गुटबाजी? 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था कि हम चार डिप्टी चीफ बनाएंगे, उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा, इस तरह प्रकार से हमने किया था। ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाई कमांड की ओर से हुई। साल 2024 के चुनाव से पहले 2019 के वादों पर बात होने लगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बात कही उस बात पर बात आगे बढ़ने लगी। हरियाणा में गुट में बटी कांग्रेस में अब क्या हुड्डा वर्सेस ऑल होने लगा है? क्या पिता पुत्र की जोड़ी को फ्लॉप करने की तैयारी है? हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से सत्ता का स्वाद चखने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया तो हरियाणा की राजनीति में बयानों की बाढ़ आ गई। कांग्रेस के भीतर भूचाल आया तो हुड्डा परिवार पर सवाल दागे गए। सवाल ये था कि ये सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं या कांग्रेस? हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2019 का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि कांग्रेस ने चार डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था जो साल 2024 में पूरा किया जाएगा। बस ऐसा ही कहते हरियाणा की राजनीति में ये बयान वायरल हो गए। इस बयान के बाद सवाल ये उठा कि क्या वाकई में कांग्रेस आला कमान का नाम ऊंचा करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मान को गांधी परिवार ने बरकरार रखते हुए अधिकृत किया? वो कोई भी वादा करें तो उसको पूरा किया जाए। वो तो वैसे, लेकिन ये है कि ये आज नहीं कहा मैंने, हमने कहा 2019 के चुनाव से पहले पार्टी ने फैसला किया था, चुनाव से पहले जब चुनाव होते हैं हमने ये था कि हम चार डिप्टी चीफ बनाएंगे, उनमें से एक ब्राह्मण समाज का भी होगा, एक दलित समाज का होगा, बैकवर्ड क्लास से होगा, इस तरह प्रकार से हमने किया था। वही आज बात दोहराई हमने, उस पर हम कायम है। 24 में कैसे होगा सर? 24 में भी यही है, एक ब्राह्मण, चार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जो 19 में था, जो ऑलरेडी पार्टी की पॉलिसी बनी हुई है, जो ऐलान किया हुआ 19 में, वो उसमें कायम है। 2019 की याददाश्त को ताजा करने के लिए जब सवाल दीपेंद्र हुड्डा से पूछा गया तो पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए पुत्र ने तारीफों के पुल बांधे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी बात का धनी बताया। देखिए वो तो जो हुड्डा साहब ने 2019 में जो बात कही थी कि चार मुख्यमंत्री वाली बात, तो 2019 में उन्होंने कही ये पॉलिसी, और हुड्डा साहब ने 2019 में कही थी, वो अपने बात की धनी है, वो अपनी बात पे रहते हैं। पॉलिसी का हिस्सा है हुड्डा साहब की, ये 2019 में चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से हुड्डा साहब ने बात कही थी, हुड्डा साहब अपनी बात पे रहते हैं, वो अपनी बात को बात के धनी है। वादा था, दावा था या फिर कंफ्यूजन? सवाल ये था कि क्या कांग्रेस ने चार डिप्टी सीएम बनाने के वादे पर मोहर लगा दी या 2019 में पार्टी की तरफ से ही इस तरह का वादा किया गया था या फिर कुछ बातें गलती से हो गई। जब चार डिप्टी सीएम बनाने की बात पर सवाल कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा से पूछा गया तो उन्होंने ये तक कह दिया कि ऐसी बात तो कभी हुई ही नहीं और आज भी इस बात का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होने के नाते मैं कह सकती हूँ, उस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष थी, ऐसी बात कभी नहीं हुई और ना कभी ऐसी अनाउंसमेंट हाई कमांड की ओर से हुई। और आज भी ये कौन सा वक्त है, कौन सा औचित्य है, हम सभी वर्गों को साथ लेकर 36 बिरादरी की पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है। आज के दिन कौन कैसे क्या अनाउंसमेंट करता है ये तो वो ही जाने, लेकिन जैसा मैंने कहा 19 की बात तो मैं पुख्ता कर सकती हूँ, तब इस तरह का कोई फैसला नहीं था और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन भी किसी व्यक्ति को कांग्रेस हाईकमान ने अधिकृत किया हो
कि आप इस तरह की अनाउंसमेंट करें कि हमारे कौन क्या कितने होंगे। और मैं तो कहूंगी कि इससे ज्यादा अगर बात है और कोई भी कह सकता है तो बात तो ये होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री कोई भी, 36 बिरादरी में कोई भी बन सकता है, हरियाणा में हाईकमांड जिसको चाहे। तो क्या कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी अपनी राय रखी, आला कमान का मान रखने की याद दिलाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पर सफाई। मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, ये फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं, कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे, कोई कहे, उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व तो है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के लिए बहुत से दावे और वादे किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर जहां विरोधी पार्टियों के निशाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के अंदर से भी उनके बयान की मुखालफत हो रही है। कोई खुलकर बोल रहा है तो कोई इशारों में और दबी जुबान में। सवाल यह है कि जनता से जुड़े बहुत सारे मुद्दों के बीच जातियों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। न्यूज डेस्क खबर।